हेलो दोस्तों, आज मैं हूं विवेक गौर, आपके सामने अक्षत। आप सब जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 3, वेलकम अक्षत। और 3 सिर्फ नीट में नहीं, एम्स में भी। तो जानते हैं कि टॉपर की कूल लाइफ कैसी होती है, टॉपर की सोशल लाइफ कैसी होती है। तो अक्षत, मेरा सबसे पहला तुमसे सवाल है कि पिताजी क्या करते हैं और घर में कितने लोग हो, किस तरीके से? वेल, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट हूँ एंड मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। बट लेट मी टेल यू इन एडवांस कि ऐसा कोई ये बहुत ही सुपरस्टिशियस या फिर प्रेजिडिस नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। बचपन से ही मेरे को भी बहुत इंसान का बेटा इंसान बनेगा तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, मतलब ये ट्रेंड चलता है सोसाइटी में। बट पर्सनली मेरा बचपन से भी बहुत इंटरेस्ट था एंड मेरे पेरेंट्स ने सच बोलूं तो कभी मतलब पूछा था कि क्या बनना चाहते हो, बट दे नेवर फोर्स्ड मी टू गो इनटू दिस लाइन। तो कुछ थोड़ा सा मैं रैपिड फायर राउंड में कुछ सवाल पूछ लेता हूँ कि जिससे थोड़ा से पता चले तुम्हारा। फेवरेट मूवी बताओ। फेवरेट मूवी है मेरी द इमिटेशन गेम है, ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक मूवी है। मूवी का लेवल बहुत हाई है, तो मतलब रैंक 3 लानी है तो लेवल हाई लेवल की मूवी देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और टीवी सीरीज कुछ? टीवी सीरीज आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी सीरीज में अपने प्रिपरेशन के दौरान भी, जब भी कूल ऑफ करना होता था तो या तो मैं जिम जाता था, मेरी वो भी हॉबी है, या फिर मैं टीवी सीरीज देखता था। मेरी फेवरेट टीवी सीरीज में बिग बैंग थ्योरी, फ्रेंड्स, शेमलेस, मतलब थोड़ी वल्गर साइड हो गई, शेमलेस काफी मूवीज भी देखते थे। और फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो मैं मतलब मोस्टली प्रोटीन बेस्ड डाइट लेता हूँ तो काफ़ी डाइट वाले टाइप से हूँ मैं। बट हाँ, मैंने इनका एक फैक्ट पता चला है कि आई थिंक 7th-8th क्लास में आपका वेट कितना था? 80 केजी। और हाइट? यही हाइट में? नहीं, कम थे, छोटे थे उस वक्त, तो काफ़ी गोल। इतना वजन घटा लिया? हाँ, वो कुछ कुछ मोटिवेशन आ जाते हैं बचपन में, भयंकर मोटिवेशन है। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस बॉलीवुड की बात करें तो तारा सुतारिया है मेरी। तारा सुतारिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आप लोग ने अगर देखे होगी तो उसमें जो ज़्यादा हॉट वाली है, हॉट वाली बंदी। ठीक है। वीकनेस? वीकनेस जैसे मैं एक जो आपकी ये दिमाग में इमेज होती है कि टॉपर एक ऐसा होता है बहुत नर्डी सा, तो मेरी वीकनेस भी मैं यही कहूँगा स्पेशली फॉर ऑल एकेडमिक पर्पसेस कि मैं नर्डी नहीं हूँ। मैं बहुत सोशली टेम्पटेशन है मेरे में, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत हैंग आउट करता हूँ, चिल करता हूँ। मतलब तो रैंक लाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहो, लोगों से बात नहीं करो, तो मतलब बात करो तो ज़्यादा वीकनेस? मतलब पढ़ना इज़ वेरी एसेंशियल, ये मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ाई कम करके करो, बट आई बिलीव कि दिन में 24 घंटे होते हैं, आराम से कुछ घंटे तो ऐसे बचे जाते हैं जो बहुत सारे बच्चे इस डर में यूटिलाइज नहीं करते सोशलाइज करने में कि लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे ये पढ़ना लिखना छोड़ दिया या पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो अगर आप सोशली भी रहो तो बहुत अच्छा है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। हॉबीज में मेरे वही मैंने बताया, मैं टीवी सीरीज बहुत देखता था, मैं जिम बहुत जाता हूँ, मैं चेस बहुत खेलता हूँ, आई एम अ स्टेट लेवल प्लेयर इन दैट। ग्रेट, स्टेट लेवल प्लेयर चेस, ओके। अगर डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? वेल, डॉक्टर नहीं बनता तो बचपन से मैं चला जाता, या तो जिमर हूँ तो मे बी बॉडी बिल्डर बन जाता, आई डोंट नो, मतलब नॉट दैट आई एम शोइंग ऑफ फॉर एनीथिंग, मैं डॉक्टर ही बनूंगा। बट अगर बनता है इट्स माय ड्रीम, अगर मैं बॉडी बिल्डर भी बन सकता तो बन जाता। तो आप बनारस से हो? हाँ, तो बनारस मेरे को पता है जितना कि वो मार्थोलॉजी के लिए बड़ी फेमस सिटी रही है, तो कुछ भगवान की भक्ति उक्ति का भी है कुछ? पर्सनली मैं तो उतना रिलीजियस आदमी हूँ नहीं एंड लोग सोचते हैं बनारस का नाम लेते हैं कि ये तो जानते होगा, बट आई थिंक कि हाँ बनारस का भी कुछ इम्प्रिंट तो है मेरे अंदर, क्योंकि संस्कृत मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है। ओ, संस्कृत पढ़ा स्कूल में, संस्कृत तो संस्कृत का शोक याद है कुछ? श्लोक नहीं, मैं अगर वो बालका 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 ये सब होता है ना जो लकार और ये सब, हाँ सही है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहोगे अगर आपको मिले कि खूब सारा पैसा मिल गया है, खूब सारा टाइम है, कहीं जाके स्पेंड करो तो? मैंने काफ़ी फॉरेन ट्रिप्स ऑलरेडी ले रखी हैं, तो आई थिंक कि मॉरिशस, दुबई, ये सब मैं जा चुका हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बोरा बोरा, बाली, ये सब जगह भी बहुत पसंद है। बोरा बोरा कहाँ है? बोरा बोरा इज थोड़ा और डिस्टल होगा US के। अच्छा, इतनी सारी, तुम मेरे हिसाब से शुरू से टॉपर रहोगे क्लास में, मतलब हाँ। कभी रैंक 2 भी आई है? नीट में 3rd आ गई है, बट क्लास में तो नहीं, फर्स्ट। अच्छा, तो डिफिकल्ट क्लास कौन सी लगी? डिफिकल्ट बचपन में SST से मेरे को बड़ी नफरत होती थी। नफरत मतलब रटना पड़ता, ऑल्दो आई वाज अ वेरी एक्सीलेंट स्कोरर इन दैट, बट वही है कि रट के निकालना पड़ता था, कभी लॉजिक नहीं दिखा उसके पीछे। तो फिर डेट्स वगैरह याद रखने में दिक्कत नहीं थी? नहीं, बायो का स्टूडेंट तो मेमोरी तो अच्छी है, बट कोई पॉइंट नहीं दिखता था। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, काफ़ी मज़ा है। हाँ, काफ़ी मज़ा आता है उसके मैकेनिज्म। मतलब मैंने तो बच्चों से सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो डर सा लग जाता है, तो मतलब और फेवरेट होना? नहीं, डर सा तो ठीक है, जब मेरे को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था तो लगता था कि क्या पता मुश्किल हो, तो उस डर के चक्कर में मैंने इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डाली कि प्यार ही हो गया समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार। ठीक है, एडवेंचर जो आपने किया
वेल एडवेंचरस स्टफ में मैंने बहुत कुछ ट्रैकिंग की है, मैंने पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो डर नहीं लगा? डर तो लगता है, बट ऊंचाई देखते ऐसा लग जाता है कि कब मैं गिर जाऊंगा इसमें। डर तो काफी चीजों से लगता है। एक चीज जो मैं कहूंगा सबसे एडवेंचरस है कि मॉरिशस में देयर वाज दिस थिंग, सफारी पार्क है, बट उसके अंदर एक राइड होती है वॉक विद लायन, एंड उसमें एक्चुअली आप लायंस के साथ चलते हो। छू लिया था एकदम हमने अनुभव। काटता नहीं है? डोमेस्टिकेटेड लायंस होते हैं, बट बड़ी है। कभी बंक मारा? बंक हाँ, मतलब 11th के पहले, 11th 12th तो सीरियसली पढ़ाई की थी, 10th तक तो मारते किसने मारते थे बंक? देखो हम तो जनरली वो हमारे टाइम पे वीडियो गेम हुआ करते थे, वो खेलने जाते थे, तो आपने बंक किसने मारा? वीडियो गेम तो नहीं खेलने जाते थे, वो क्या बताऊँ मैं, कुछ कुछ काम होते थे, बंक मार लेते थे हम लोगों के साथ। नहीं नहीं आप छुपा रहे हो, पूछ लेते थे और लोगों को भी बंक पे चलोगी ऐसे। चलो पेरेंट्स से कभी मारा? पेरेंट्स नहीं, मेरे एक चीज़ जो मैं, अगर मेरे इस ऑडियंस में अगर पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी चलते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि दे डिड नॉट केयर अबाउट मी, उन्होंने मेरे को एक स्पेस दी कि मतलब मैं अपनी मैच्योरिटी खुद गेन कर पाऊँ। अगर मेरे लव लाइफ हो या मेरी एकेडमिक लाइफ हो, मेरी कोई भी लाइफ हो, राइट, माय पेरेंट्स आए, मैं खुद ही जाके उन्हें बताता था। मुझे ऐसा लगता है इतना होनहार बच्चा हो तो शायद मेरे को लगता है गाइड करने की या समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, रैंक तो ला ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। झूठ बोला है घर वालों से? जरूरत नहीं। अच्छा टीचर ने मारा? टीचर्स तो मतलब अब आप बचपन में चल जाओ तो आई थिंक कि हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। मेरा भी मतलब काफ़ी इनोसेंट हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ किया है मैंने। तो एक बार ऐसे कॉरिडोर पे चल रहे थे, प्रेयर वेयर हो रहा था, तो टीचर को लग रहा था मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो पढ़ गई एक दो बार, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा अभी आप MBBS कर रहे हो, तो जब आप आगे कोई स्पेशलिटी लोगे, MD या DM करोगे, तो किस में करना चाहोगे? वेल MD तो मैं मेडिसिन में ही लूँगा, बट अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें, सुपर स्पेशलाइजेशन की, तो हार्मोन से काफ़ी इंटरेस्ट है, तो एंडोक्राइनोलॉजी भी मैं सोच सकता हूँ DM में। ठीक है। इंग्लिश कैसी रही है आपकी? क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मुझे लगता है साइंस के स्टूडेंट्स की कैसी रहती है? रहती है? नहीं तो नहीं, मेरी नहीं, मैंने नॉर्मली की बात की, तो फॉर एज अ DPS स्टूडेंट आई थिंक कि काफ़ी मुझे क्रेडिट्स देने होंगे अपने स्कूल को कि ये बहुत सारे बच्चे मतलब डमी स्कूलिंग और ये सब भी करते हैं, तो पर्सनली मैं अगर बचपन से ही DPS में रहा हूँ एंड मतलब है काफ़ी ब्रांडेड स्कूल है, तो इंग्लिश तो मेरी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ग्रामेटिकल एरर्स, एंड अगर आप में से कोई मुझे जानता हो तो मैं जब किसी के साथ टेक्स्ट कर रहा होता हूँ तो आई रियली डोंट लाइक दोज पीपल जो टेक्स्ट में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। अच्छा ग्रामर यूज़ कर, लॉल चलेगा, मतलब कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बट अच्छा। बहुत ग्रामर नाजी कहते हैं ना, एक टाइम ग्रामर नाजी तो हूँ मैं वैसा। ओके, तो आप जैसा कि मुझे पता है कि इतने चिल थे लाइफ में, तो क्या चीज़ आपको सीरियस रखती थी स्टडीज़ के लिए? वेल एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि हर आदमी अपने लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है ज़िंदगी में, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, जैसे मैं अगर आज रात को सोने जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने ठीक है घूमा तो मैं, बट क्या मैंने उतना पढ़ा जितना मैंने सोचा था, तो दैट सेटिस्फैक्शन इज़ ऑल आई नीडेड टू गेट स्लीप एंड नाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी रैंक्स ट्रैक कर सकते हो, आप अपने मार्क्स ट्रैक कर सकते हो कि ठीक है मैं मतलब मैं पर्सनली कहूँ तो मैं चिल हूँ, मैं घूम रहा हूँ लोगों के साथ, ये भी कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि उसके साथ मैं पढ़ता नहीं था, मैं पूरे पढ़ता था, मैं पूरे दम से पढ़ता था। एंड जब तक मुझे दिखता था कि हाँ मेरी रैंक्स अच्छी आ रही है, मैं अपने IITS आकाश के एग्जाम्स में भी टॉप 5 टॉप 3 में रह रहा हूँ, तो मैं भी सोचता था कि और नीड क्या है करने की। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत कम कर देता था अपनी, अगर मैं अपनी कर रहा था तो या तो उतनी ही कर रहा था, उससे ज़्यादा ही कर रहा था, बट वही एक बैलेंस होता है ना आपके सोशल लाइफ एंड आपके एकेडमिक लाइफ का, वो बैलेंस बनाना मतलब मुझे लगता है कि बहुत, अगर आप बैलेंस बनाए रखते हो तो मेरे हिसाब से आप सही चल रहे हो। Exactly. आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं लग रहा मैं सोशल नहीं हूँ या कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ हो गई, बहुत मैं थका हुआ हूँ, मतलब थक गया हूँ पढ़ पढ़ के, तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया। ऐसी कोई टिप जो आप देना चाहते हो आने वाले डॉक्टर्स को जो आपके शायद जूनियर्स बनेंगे, तो उनके लिए कुछ आपके गाइडेंस के लिए कुछ बोलना चाहते हो? अपने जूनियर्स को तो मैं यही कहूँगा यार कि मैंने अपने लाइफ के दो पहलू आप लोग को बताए हैं, तो जो लोग उसमें थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो लोग बहुत घूमते और नहीं पढ़ते, और जो लोग बहुत पढ़ते और नहीं घूमते, तो गाइस दोनों थोड़ा एक दूसरे से डिसॉल्व हो जाओ, मिड पॉइंट पे। गौतम बुद्ध की जो थ्योरी है, गौतम बुद्ध, हाँ, बिकॉज यिन यांग होता है लाइफ में, बैलेंस की बहुत जरूरत है। मीन क्या पता ये दोनों को फायदा है। तो ये थे अक्षत हमारे साथ में, और उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। जो भी और अक्षत से सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ सकते हैं, मुझे लगता है अक्षत तुम जवाब दोगे। श्योर, ठीक है। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग अस, थैंक यू।